काफ़ी स्पेशल होने वाली है, ओ बी 29 अपडेट से रिलेटेड होने वाली है। जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि ओ बी 29 का जो अपडेट है वो जल्दी आ जाएगा, तो अपडेट का जो एडवांस सर्वर का जो एडवांस सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, इसका 16 जुलाई को रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप 20 तारीख तक इसमें एडवांस सर्वर में एंट्री कर सकते हो। तो यार पहली चीज़ जो इसमें होगी वो G18 की डबल कॉम्बो आने वाली है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं केली के पास है डबल G18 गन, तो यार आपको डबल G18 का कॉम्बो देखने को मिल जाएगा ओ बी 29 की अपडेट में। तो यार ये हिंट था गरीना की तरफ से, हमें दिया गया था पर हम पहचान नहीं पाए। अब दूसरी जो चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ क्या होगी कि यार ओ बी 28 अपडेट में एक्सपेक्ट किया था हम लोगों ने यार 26 में सेवर नाम है इसका कैरेक्टर का, एक जंगली इंसान है तो ये जंगलों में रहता था। तो इसकी एबिलिटी यही है कि इसकी HP जो है कंज्यूम करके डैमेज बढ़ा देता है 45% कंज्यूम HP। तो यार देख सकते हो नॉर्मल डैमेज जो है 28 जो जितना आता है उतना ही आ रहा है, जिसकी एबिलिटी यूज़ करेंगे डैमेज बढ़ जाएगा 5% से, तो 45 हो गया। अब ये देखो 18 का डैमेज आ रहा है, 21 का डैमेज आ रहा है। अब जैसे एबिलिटी यूज़ करते हैं डैमेज 24 से 24, तो डैमेज बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो यार डैमेज बढ़ा देता है थोड़ा सा HP कंज्यूम करने के बाद। बस यही था इस कैरेक्टर के बारे में, फुल मैक्स होने के बाद इतना डैमेज दे पाएगा है। तो अगला कैरेक्टर दिखाता हूँ तुम्हें, कैरेक्टर है उसका नाम है स्नोवेल, जो कि एक लड़की गर्ल कैरेक्टर है। तो यार इसकी एबिलिटी ये है कि इसका अगर आपको एक भी गलती से डैमेज लग जाता है, गोली लग जाती है, तो आपकी जो पैसिव एबिलिटी होती है वो आपकी ब्लॉक्ड हो जाएगी 5 सेकंड्स के लिए। आफ्टर 5 सेकंड्स आपकी जो एबिलिटी है वो फिर से इनेबल हो जाएगी, तो आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो यार इसका बहुत डेंजर है इसकी एबिलिटी, तो हो सकता है कि आपको बड़ा डिसएडवांटेज सा लगे, पर ये एबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होगी यार अलोक और कोरोना जैसे कैरेक्टर के खिलाफ, इनफैक्ट वोकोंग जैसे कैरेक्टर के खिलाफ। तो यार इसकी एबिलिटी जो है बहुत ज़बरदस्त लगी मुझे, तो यार आपको बताना आपको कैसे लगी कमेंट में। तो यार चलो इसका गेम प्ले देख लेते हैं, इसमें कैसे काम करती है एबिलिटी, क्योंकि यार मैक्स होने के बाद 5 सेकंड तक ये रोक देगी सामने वाले की एबिलिटी। ये देखो यार इसके पास है के आपकी की एबिलिटी ब्लॉक कर दी इसने, रेड वाला ब्लॉक देख सकते हो आप, ये 5 सेकंड पूरे हो गए और ये एबिलिटी ऑन। तो यार 5 सेकंड के लिए आपकी एबिलिटी रोक देगी, ये ब्लॉक कर देगी पूरी तरीके से। तो यार बहुत बढ़िया एडवांटेज है आलोक और जैसे करेक्टर्स के लिए। तो देख सकते हो जैसे ही आपको पड़ेगा इसका शॉट, तो आपका ये पूरा रेड कलर का हो जाएगा सर्कल, जो पैसिव स्किल का एबिलिटी का सर्कल होता है वो। तो अगली चीज़ जो आ रही है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, चलो चलते हैं। तो यार फ्री फायर में जो अगली चीज़ आ रही है वो है ड्राइविंग मैकेनिज्म एडवांस किया जाएगा थोड़ा सा यार, आप गाड़ी में बैठ के भी यार वेपन चला पाएंगे यार। तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो कि पबजी में हो चुका है, इसलिए ट्रेलर आपको पबजी का पहले दिखा रहा हूँ, फ्री फायर का एक झलक दिखाता हूँ उस चीज़ की। तो यार ये है वो फ्री फायर का ट्रेलर, तुम देख सकते हो। ये देखो यार यहाँ पे अलवारों ने यहाँ पे स्नाइपर यूज़ करी गाड़ी के अंदर बैठ के, तुम देख सकते हो। ये हिंट गरीना हमें दिया था, हम पहचान नहीं पाए। तो अगली जो चीज़ है वो दिखाने वाला हूँ, चलो देखते हैं। तो गाइस जो अगली चीज़ आ रही है वो है फ्री फायर में एक न्यू बाइसिकल आने वाली, एक स्कूटर है जो कि हमारा कैरेक्टर है शीरो, हालांकि शिनशान का डॉगी नहीं है ये शीरो है जो स्कूटर चला रहा है, वो स्कूटर हमारी न्यू बाइसिकल होने वाली है। गरीना ने हिंट दिया भी था, हम पहचान नहीं पाए। तो चलो अगली चीज़ देखते हैं क्या होगी। सो गाइज अगली जो चीज़ है वो है फ्री फायर के अंदर बोट की एंट्री होगी यार, पहली बार है जो फ्री फायर कुछ अच्छा करने वाला है, नहीं तो ये बोट की एंट्री होगी 28 अपडेट में हो जानी चाहिए थी। ये बोट आपको दो मैपों में देखने को मिलेगी, एक तो कलारी और एक पॉर्गेट्री, क्योंकि बरमूडा के मैप में पानी इतना ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ आपको देखने को ये बोट नहीं मिलेगी। अब मैं वाइस सिटी में दिखा रहा हूँ, एक बोट इस टाइप की रहेगी कुछ सेम टू सेम। तो चलो यार अगली चीज़ देख लेते हैं क्या होगी। सो यार जो अगली चीज़ निकल के आई है वो एक गन है जो है कि हैंड गन होने वाली, वाईचीता MK40 नाम है इस गन का। ये थोड़ा सा क्लिप है यार इस गन का, ये भी देख सकते हो तुम लोग, इस टाइप की गन कुछ देखने वाली हैंड गन है यार, तुम देख सकते हो नॉर्मली वीडियो में भी। तो बस इतना ही था वीडियो में, एक नया अपडेट भी आएगा, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, लाइक से सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।